देखो कहाँ मैंने ब्रिगेंजा घाट करना था, अभी खंडाला घाट कवर करूँगा। लोको लगा P4 है लेकिन हॉन्किंग बिल्कुल वेब 7 जैसी दे रही है। हाँ देखा, कोई नहीं है भाई। और जिस जहाँ पे लोग हैं वो भी गिने चुने लोग हैं मेरे कोच में। 80 सीटों वाला ये कोच है, 80 में से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 20 भी नहीं भरे होंगे। लेकिन यहाँ के पाव बहुत पतले पतले से नहीं है यहाँ के। अभी शाम लगभग होने वाली है, 3:30 से भी ऊपर थोड़ा टाइम हो ही चुका है। अब मडगांव रेलवे स्टेशन पे बाहर ही खड़ा हूँ अभी। तो हाँ जी बॉस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं हूँ अभी गोवा के मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, 1 नंबर साइड खड़ा हूँ। और फिलहाल वैसे मेरी ट्रेन जो है वो वास्को से थी, लेकिन अब आएगी तो मैंने सोचा यहीं से चढ़ जाता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वास्को से निज़ामुद्दीन डेली रनिंग ट्रेन, लेजेंडरी गाड़ी है कभी 12779 गोवा एक्सप्रेस। हाँ वो थोड़ा है लेकिन कि अब इसमें दूध सागर नहीं कवर हो पाएगा। वही बताया मैंने पिछली मांडवी की जर्नी में भी कि एक ट्रेन आज डाइवर्ट हो चुकी है। आज दूसरा दिन है इसका डाइवर्ट का, कल पहला दिन था जो गई है। 12779 की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी जो कल वाली निकली थी ना गोवा, मतलब जो 12779, वो तो अभी मतलब डॉन से निकली है, मतलब 9 घंटे से ऊपर डिले है इतना उसका। तो मेरे को भी यही लग रहा है यार, मैं भी परसों दोपहर के बाद ही पहुँचूँगा, या शाम भी हो सकती परसों मेरे को। क्या ही कर सकते हैं यार, अब इतना ऊपर से दिक्कत है, मेरी हालत हो रही है ख़राब, फीवर लग रहा है, शरीर मेरा गर्म पड़ा है पूरा। अभी भाई मैं AC डोरमेट्री में सो गया था ना, मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो AC रात को बहुत तेज़ था उसका। आई थिंक उसका इफेक्ट हो सकता है, बाकी देखते हैं यार। बाकी मैंने अगर हो सके तो 139 डायल करके मेडिकल हेल्प ले लूँगा अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। वैसे लेकिन एक चीज़ है, लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे को ये पता भी लग गया है, ट्रेन कैंसिल मेरे को कल तक रिग्रेक्ट होता था यार ऐसे ट्रेन कैंसिल होगी, क्योंकि डीरेलमेंट हुआ ना गुड्स ट्रेन का बॉक्स अंदर का, वो दूध सागर के पास ही हुआ है, तो 2-3 दिन तो लगेंगे। हो सकता है मेरी वीडियो जब तक आप तक पहुँचे तब तक वो सेक्शन सही हो जाए। और फिर अभी मैंने देखा है कि चलो मैं तो बीमार हूँ, मेरी हालत भी ठीक नहीं है, मेरे से वैसे भी दूध सागर कवर हो नहीं पाना था, ज़्यादा गेट पे मेरे से जान ही होना था। अभी अगर ट्रेन आ रही तो मैंने तो लेट जाना 1 घंटे के लिए आराम से यार। बाकी चलो मैं अभी तो 1 नंबर साइड आके बैठा ही था यहाँ पे। वैसे गोवा एक्सप्रेस ऑलरेडी एक खड़ी हुई है, लेकिन ये अभी निज़ामुद्दीन से आ रही है। आप मान के चलो इसने सुबह आना था, सुबह सुबह आती तो सोच लो कितना डिले हुई है ये गाड़ी। ये अभी वास्को जा रही है, और कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट भी हुई थी कि इसके जाने के बाद साथ ही में 12779 भी एक पे ही आएगी। यानी पहले मुझे लगा था यही वाला रेक शायद आएगा वहाँ से, लेकिन नहीं, वो अलग रेक है, स्पेयर रेक होगा तो वो आ रहा है। बाकी चलो ये अच्छी बात है। चलो जी टाइम देख लो, अभी तो 4:07 हुए हैं, डिले से ही गाड़ी अब जाके कहीं आ रही है। अरे बोथ कंपोजिशन अभी दिखा रहा है कि देखो बोथ कंपोजिशन यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, पहले यहाँ पे दिखा रहा था स्लीपर वाले इस साइड आएंगे, लेकिन अब देखा आप चेंज कर दिया, अब मेरे को आगे जाना पड़ेगा स्लीपर में ना। मेरी आधी ट्रेन को क्रॉस करने के बाद अब जाके कहीं मेरा कोच आया है। सब लोग लगता है यहीं से बोर्ड कर रहे हैं मोस्टली इसको, अब तक तो खाली आई थी। यही है मेरा S5 कोच है। चलो गेट तो इस साइड का मुझे लगता है खुद ही खोलना पड़ेगा। चलो भाई फर्स्ट इंप्रेशन में तो गाड़ी पूरी साफ सफाई लग रही है, साफ है पूरी। बाकी ये देखो यही है भाई, मेरी वाली सीट ये है, 15 नंबर साइड लोअर मिली है मेरे को। अच्छा देखता हूँ यार, अगर बनाया गया ठीक है, नहीं तो मैंने तो लेट जाना यार चलने के बाद। बाकी अंदर कंपार्टमेंट का व्यू भी सही है, 3-4 दिन सपेट है, 2 पर्सन के लिए एक है, साफ सफाई ठीक है। इधर तो एक ही है, यानी 2 पर्सन के लिए एक होगा ऊपर और एक नीचे। चलो अभी तो सामान लगा के आया हूँ अंदर अपना। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस गाड़ी की, एक्चुअली में इस गाड़ी के ना नॉर्मल रूट पे 2 रिवर्सल होते हैं, एक लौंडा से एक पुणे से, लेकिन अभी सिर्फ इसका मडगांव ही रिवर्सल होगा, और पुणे मुझे नहीं लगता रिवर्सल होगा, क्योंकि कल्याण होकर जाएगी सीधा जाएगी, कोई रिवर्सल नहीं होगा, तो पुणे से तो वैसे डाउन होकर जानी है गाड़ी। बाकी चलो मैं आगे आया था लोको दिखाने, लोको वही लग चुका है कपलिंग होकर जो मतलब वास्को से लेकर आया था, यही है 4045 स्टेशन आ जाऊँगा WP 440, ठीक है ये लेकर जाएगा पुणे तक, उसके बाद चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा। चलो जी पूरे 4:40 से अब गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है मडगांव से।
चेक करो भाई, गाड़ी एक तो कर्व ले रही है ऊपर से लाइट के साथ। बाकी चलो अब अगला कमर्शियल हॉल्ट सीधा पुणे है। वो पुणे पता नहीं कब आएगा, कल सुबह तक तो आएगा नहीं, कल दोपहर ही हो जाएगी। जैसे आज वाली गोवा एक्सप्रेस, मतलब बेसिकली जो कल वाली गोवा एक्सप्रेस पहुंची थी वो 1 बजे के बाद पहुंची है। हो सकता है ये शायद जल्दी पहुंचे, 11 बजे तक भी पहुंचा सकती है, लेकिन लेट तो होना ही है इसने। अब लेकिन अब वो कोच की हालत दिखाता हूँ उसकी वजह से हुआ क्या है। ये देखो ये कोच की कंडीशन है, कोई नहीं है भाई, 3-4 कंपार्टमेंट ऐसे ही खाली पड़े हैं नॉर्मल। और जिस जहाँ पे लोग हैं वो भी गिने चुने लोग हैं मेरे कोच में। 80 सीटों वाला यह कोच है, 80 में से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 20 भी नहीं भरे होंगे। टोटाली ग्रीक मडगांव से निकले हुए, तो हमको 2-3 स्टेशन ही वैसे हमने मडगांव के बाद पार किए हैं। और यहाँ पर देखोगे तो पूरा बाढ़ जैसा नहीं लग रहा ये वाला पूरा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये बाढ़ जैसा ही कुछ लग रहा है मेरे को। कितना पानी पानी वहाँ पड़ा है, बारिश बहुत होती है इस एरिया में। बाकी अभी वेंडर से मैंने ये मैनिया का नींबू पानी ये कुछ है वो लिया था यार। एक तो मेरा बीमार जैसा फील हो रहा ना, मैंने कहा चलो नींबू पानी अगर असली हुआ क्या पता इससे फ़र्क पड़ जाए, वो अलग बात है, ये होता तो फ्लेवर ही है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। बाकी आप इस साइड का व्यू एंजॉय करो ज़रा, लग रहा है फिलहाल तो शाम के 5:30 हो रही है। अभी 3 से निकल रही है गाड़ी, और शाम में वैसे पेंट्री कार से ये आया था अभी शाम का नाश्ता, वड़ा पाव या वड़ा पाव, लेकिन बेसिकली वड़ा गरम है तो मैंने कहा चलो ले ही देता हूँ अभी गरम गरम है। वैसे भी सुबह से बस एक यही खाया मैंने, बस एक वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव खाए और कुछ सुबह का खाया नहीं, लंच नहीं सही से किया मेरा, बीमार था मन ही नहीं किया खाने का। अभी 7:20 हो रहे हैं, गाड़ी सिंधुदुर्ग पे आके खड़ी हुई है और वही मांडवी के साथ प्रॉफिट है यार, कल इसी में गया था। नोट किया हम लोग ना जो कल वाली गोवा गई थी यहाँ से उससे थोड़ा बिफोर है, मतलब कल वाली गोवा से जब मेरी क्रॉसिंग हुई थी तो वो कुडल के आसपास थी, कुडल तो पिछला स्टेशन ही है और पूरा अंधेरा हो चुका था। अभी देखो हल्का हल्का उजाला अभी भी है और 7:20 हुए हैं जैसे मैंने बोला, तो 1 घंटा उससे मुझे लगता है ये आ गया अभी ये वाली, थोड़ी हो सकता है रात को ये कवर करे क्योंकि अभी तक कितनी क्रॉसिंग इसको दी नहीं है, अगर दी है तो मतलब ज़्यादा रुकी नहीं है। कल वाली तो भाई बार बार रुकी थी मैं लोकेशन उसकी साथ साथ ट्रैक कर रहा था, पहले करमाली पे भी रुकी रही थी कुछ टाइम तक, वो थिविम भी रुकी रही है, तो थिविम बस थोड़ी देर रुकी फिर चल पड़ी थी।
सिंधुदुर्ग से कुछ टाइम पहले, मतलब आधा घंटा पहले तक मैं सोया हुआ था, मेरी नींद लग गई थी, उसके बाद उठाऊँ ताकि अब ट्रेन के वेंडर आए थे तो उनसे चाय ली है। बाकी ट्रेन की चाय मैंने पी कि अच्छी है, पहले तो भाई उन्होंने भी आधी भरी थी, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा और तो बोला, फिर भर के दिया मेरे को। चलो यार ये तो नींद उतारने के लिए अभी पी रहा हूँ। बाकी अब मेरी हालत मड़गांव जहाँ पे था तब से तो थोड़ी ठीक ही है। फिलहाल तो बॉस अभी 9:20 हो रहे हैं और गाड़ी अभी वेरावली रेलवे स्टेशन है कोई यहाँ पर आगे खड़ी है लूप पे, वही क्रॉसिंग तो है यार, अब बहुत क्रॉसिंग करवा रहे हैं। उधर भी देखोगे तो सिग्नल ऑलरेडी पीछे वाला ग्रीन दिया हुआ है ऑलरेडी इन्होंने। अब मेरे को ये नहीं पता है कौन सी गाड़ी है, पिछले वाले स्टेशन पे तो मतलब नेत्रावती क्रॉस ही थी, वो मैं ले नहीं पाया था, लेटा हुआ था आराम से। और अभी हुआ क्या, मैं स्टैंडर्ड वेज का ऑर्डर दिया था मैंने, तो वो लेकर आया था लेकिन वो मेरे को नॉर्मल था, चिपका रहा था, बोल रहे थे कि हमारे पास यही है यही है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको स्टैंडर्ड बोला भी था, आप स्टैंडर्ड ही अब लेकर आइए। वो कह रहे ठीक है सर मैं बाद में जाके लेकर आता हूँ, मैंने इसलिए मना कर दिया उनको। वैसे इसमें आपको 120 का नॉर्मल जो स्पेशल थाली है वो मिल जाएगा और 160 का आई थिंक चिकन थाली है उसमें, वो मिल रहा है आपको। चलो गाड़ी तो उस साइड से आ रही है, एक तो ना चलने में ना थोड़ा डर सा ही लगता है मेरे को, क्योंकि मैंने सुना काफ़ी सांप भी होते हैं इस एरिया में, और ये तो रेलवे स्टेशन है भी पूरा ऐसे जंगल के इलाके में, पूरा घास उगी पड़ी यहाँ पे नीचे, प्लेटफॉर्म ऊपर लेवल पे भी नहीं है ये तो। ये भी गुड सी लग रही है मेरे को, एल्को भाई। हाँ ये गैस वाला देखे ना, वाइट वाला। चलो जी अभी 9:28 हो गए हैं, आ चुका है अपना स्टैंडर्ड मील, यही दो सब्जी और आई थिंक ये परांठे है तो वैसे रोटी की तरह, लेकिन ये गर्म है बिल्कुल, मुझे लगता है अभी भी बना रहे होंगे तो हो सकता टाइम लग गया या क्या है, लेकिन जो भी है मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी चावल तो हो सकता है मैं ना ही खाऊँ, एक तो वैसे हालत ठीक नहीं है, रेशा करेंगे शायद रोटी खा के ही मैं सो जाऊँगा। और चावल तो मतलब गर्म ही लग रहे हैं अभी भी, और एक नॉर्मल सब्जी या आलू मटर की सब्ज़ी लग रही है मेरे को, मिक्स टाइप, हाँ आलू मटर ही है, ये दाल है। और चलो बाकी ये अब यार है तो रोटी, लेकिन अभी इसको पराठे कौन ही बोले, हालत ही देखो इनकी क्या हुई पड़ी है। बाकी मैं अभी खा के देखा ही है, देखो ये तो सब्ज़ी ठीक है लेकिन ठंडी है, और दाल भी चलो एवरेज कह सकता हूँ, चावल तो मैंने खाने भी नहीं ऐसे ही छोड़ने हैं, और चावल तो छोड़ो मेरे से ये भी नहीं खाई जा रही क्योंकि रोटी हार्ड बहुत है, मेरी मजबूरी थी खाना क्योंकि मेरे को फिर मेडिसिन भी देनी है, कोई खाली पेट तो खा नहीं सकता। चलो ये इसको रख लेता हूँ संभाल के, कल या किसी जानवर वगैरह को डाल दूंगा अपने साथ। बाकी चलो अभी रात के पूरे 10 बज चुके हैं, मैं एक्चुअली में ना अभी खाना खाने के बाद एक राउंड लगाने गया था, आगे तक जाया पेंट्री के पास में, मतलब एक मेरा वाला कोच है एक पीछे वाला कोच है, उससे पीछे वाला तो लगभग ऑक्यूपाइड है, मतलब मोस्टली कोच ऐसे खाली पड़े हो भैया, देखोगे ना पूरा कोई है ही नहीं, बस इसमें भी बस एक पर्सन ही है सामने मेरे कोच, मेरी वाली सीट के बाद पहला कंपार्टमेंट खाली पड़ा है, ये सारा भी खाली पड़ा है और ये वाला भी ऐसे खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, और आगे भी 2 दिन कंपार्टमेंट ऐसे खाली पड़े मेरे वाले कोच में। बाकी चलो अभी सुबह मिलता जा भी नींद खुलेगी, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये गाड़ी पनवेल के आसपास होगी सुबह, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। सो सुबह के तो हो रहे हैं भाई 7:30 और गाड़ी अपनी पहुंच रही है अभी करजत रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ करजत, अब यहाँ से फिर पीछे बैंकर अटैच होंगे और लोनावल में जाके डिटैच हो जाएंगे। यार देखो कहाँ मैंने ब्रिगेंजा घाट करना था, अभी खंडाला घाट कवर करूँगा, कहाँ इस गाड़ी में कुलेम से बैंकर अटैच होने से अब करजत से अटैच होने लोनावल तक जाएंगे। चलो घाट सेक्शन तो फिर भी मिल ही रहा है, वो मानसून वाला मौसम तो अभी भी है, मौसम भी देखो मानसून वाला ही है वैसे भी, अभी भी मज़ा आएगा वैसे ये वाला घाट सेक्शन करके, ये भी मैंने कम ही किया, एक दो बार ही किया हुआ। और यार मेरे को उम्मीद थी कि ये गाड़ी सुबह पनवेल के आसपास पहुंची होगी, लेकिन नहीं ये आगे बहुत आ चुकी है, क्योंकि कल वो परसों वाली एक्चुअली में मैं उस हिसाब से इसका लोकेशन देख रहा था, उससे कंपेयर कर रहा था इसको, जो परसों वाली निकली थी वो तो भाई अभी मेरे हिसाब से पनवेल पर नहीं पहुंची थी, पनवेल से भी पीछे थी अभी, जो डे भी चढ़ गया था अभी 7:30 के बाद भी, ये फिर भी ठीक आ गई है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये गाड़ी 9:30-10 के बीच बीच मुझे लगता है पुणे होगी, और पुणे में ये मोस्टली 6 घंटा डिले रहेगी, तो फिर तो ठीक है मेरे लिए आराम से,
मतलब परसों दोपहर से भी हो सकता है पहले पहुंच जाए, 11 बजे भी सुबह पहुंच सकती है, मतलब परसों बोलो सॉरी कल सुबह, वैसे कुछ देखा अगर ये तो 10 बजे तक भी मतलब पुणे पहुंचती है फिर तो कल सुबह 10 बजे तक 10 या 11 बजे निज़ामुद्दीन पहुंचने के चांसेस है। चलो 11:30 भी पहुँच जाए फिर भी ठीक है। चलो वाकई अभी कर्जत से निकल गई है गाड़ी अपनी, अब आएगा असली इसका मज़ा, अब आएगा खंडाला घाट, वही देखने वाली चीज़ है। तो इसमें लगा EMD हुआ है, अब बढ़िया इसका EMD हमिंग आएगा खंडाला घाट में भी। तो चलो जी अब फाइनली हम लोग पूरे घाट में एंटर कर ही चुके हैं, वहाँ का व्यू देखो यार पीछे का क्या लग रहा है वहाँ पे। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन मौसम ऐसा ना तब भी मज़ा आ रहा है यार। अब यहाँ से वो वाली लाइन अलग होते हो जा रही हैं क्योंकि तो बीच में ना टनल वगैरह काफ़ी आ रही हैं। वाटरफॉल भी आ रहा है इधर, साइड में देखोगे तो चट्टानों से पानी कैसे रिस के नीचे आ रहा है पूरा। पहाड़ों पे देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि बादल पूरा नीचे आया हुआ है। और फिर से एक्सेलरेट कर रहा है EMD।
यहाँ से शायद आपको टैंकर दिखेंगे, पीछे तीन तीन इंजन अलग से लगे हुए हैं। ओ भाई अब तो स्मोक भी दिखना शुरू हो गया, अब तो फॉग आ गया भाई, अब तो देखो तो चलो भाई अभी एग्जैक्ट 8:23 हो रहे हैं, गाड़ी लोनावाला पे अभी आ रही है, यही LNL है। बाकी यहाँ से जो ट्रेन के पीछे लोकोमोटिव है वो अब हट जाएंगे और ट्रेन अब यहाँ से 2-3 मिनट का स्टॉप लेने के बाद ही निकल जाएगी। लोनावाला LNL स्टेशन पे आके खड़ी हुई है अभी, तो लोकेशन तो यहाँ पर भी कमाल की है, हल्की हल्की पहले बूंदाबांदी हो रही थी, अभी तो फिर भी रुक चुकी है। और वैसे कर्जा से लोनावाला आ कब गई पता ही नहीं चला, और हमको मडगांव से निकले हुए 15:45 हो चुके हैं और अभी तक हमने 631 किलोमीटर ट्रैवल किया है मडगांव से अभी तक लोनावाला की। मैं बात कर रहा हूँ रूट डाइवर्ट है, मैं डाइवर्ट का भी काउंट कर रहा हूँ पूरा अभी तक जितना जो है, और यही अगर हम लोग मिरज से नॉर्मल रूट से आती तो 576 किलोमीटर इसके तो पुणे तक होने थे, वास्को से बोल रहा हूँ, मतलब 576 हो गया तो मान लो अब 550 किलोमीटर इसके होने थे मडगांव से लेकर पुणे तक, अगर ये वहाँ से आती जो घाट वाला जो अब नहीं आई है, और मतलब है तो 100-150 किलोमीटर का ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली लोनावाला भी ये इस एरिया का एक बड़ा हिल स्टेशन है, ये बेसिकली ट्विन हिल स्टेशन आप इसको कह सकते हो, ये पूरा सह्याद्री हिल्स से घिरा हुआ है, ये बहुत लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने यहाँ पे, अपना पिकनिक स्पॉट ही आप मान लो इसको। अभी लोनावाला भी गया, ये तो सही बात है कि ये ज़्यादा रुक नहीं रही है, निकलती जा रही है, सही है यार। लेकिन जो भी हो यार व्यू बहुत बढ़िया था जो भी आया था, और वहाँ के हिल के ऊपर का व्यू आप देख ही सकते हैं, फॉग पूरा जमा हो जाता ना इससे और अच्छा लगता है यार, ऐसा लगता बादल ही है पूरे। और EMD हमिंग सुनो यार, लेकिन एक चीज़ है यहाँ का मौसम जो है ना वो एकदम बढ़िया है, यानी कि अभी मैंने चेक किया है टेम्परेचर 23-24 डिग्री ही है बस, मैं तो सोच रहा था 27-28 होगा लेकिन 23-24 है मात्र, और अभी लोनावला में मेरे को हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी जब मैं बाहर निकला था, तो मौसम बिल्कुल बढ़िया है यार, मतलब छुट्टियाँ काटने के लिए जगह बिल्कुल सही है, कभी मानसून में यहाँ आ जाओ बढ़िया लगेगा आपको यहाँ पे आके भी। अब थोड़ा रेडी होता हूँ इससे पहले पुणे है अभी टाइम है मेरे पास अभी तो, क्योंकि गाड़ी भी खाली है ना।
31 अब जाके कहीं गाड़ी पहुंच रही है पुणे जंक्शन पे। फिर भी ठीक आ गई यार, मेरे को लगा था नहीं तो ये 11-12 बजे से पहले पहुंचने नहीं वाली यार, फिर भी ठीक आ गई गाड़ी, बहुत सही आ गई अभी तक तो। चलो बाकी यहाँ से अभी तो मोस्टली ऑक्यूपाइड हुई है गाड़ी। चलो पूरा 5 घंटा 5 मिनट डिले है अभी ये गाड़ी। चलो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना होगी, मेरे को तो ये लगा था कि दोपहर कर देगी, मैंने पहले बोला था क्योंकि कल मैं तो कल वाली के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन इसका थोड़ा शेड्यूल ठीक किया इन्होंने। शेड्यूल क्या मतलब, अभी इसको थोड़ी बहुत ही प्रायोरिटी दिया इन्होंने, नहीं तो कल क्रॉसिंग भी बहुत हुई थी। वैसे तो मुझे लगा था कि हो जाएगी बहुत डिले। चलो सही है, हो सकता है मुझे ये कल 11 बजे से भी पहले उतार दे सुबह, फिर चलती रही 130। हाँ ये है कि इसको हो जाएगा ओवरटेक ना करना, क्योंकि जैसे ही इसने मनमाड़ पहुंच गई वहां से फिर ट्रैफिक और बढ़ जाएगा, तो इसको ओवरटेक पड़ने के चांसेस और हो सकते हैं। बाकी देखने वाली बात है कितना रहता है। वो करीब 17 घंटे होने वाले मडगांव से निकले हुए, और अभी तक इसने 694 किलोमीटर कवर किए हैं मडगांव से लेकर अभी तक। वैसे वास्को से देखा जाए तो 700 से भी ऊपर हो गया। क्या पुणे स्टेशन कोड भी पुणे ही है, PUNE ही है ये बेसिकली एक जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन तो हम लोग मुंबई साइड से है, बेसिकली मुंबई बोलते हैं उसको, कल्याण साइड से आ रहे हैं। एक हम लोग यहाँ जाएंगे यानी कि दौंड साइड होते हुए ऐसे मनमाड़ निकल जाएंगे, दौंड कॉर्ड लाइन से बेसिकली निकलेंगे, वही दौंड को भी निकल जाता रूट। एक यहाँ से जो एक्चुअल रूट था हमारा सतारा होके हुए आगे मिरज वाला, वो आ रहा है, और ये तीन रूट यहाँ पे मिलते हैं आके। वैसे पुणे सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है यहाँ महाराष्ट्र की, इसको डेक्कन क्वीन भी बोला जाता है, दक्कन की रानी बोला जाता है, और इसी नाम से एक ट्रेन भी चलती है डेक्कन क्वीन मुंबई पुणे के बीच में। कभी टाइम लगा तो वो भी ज़रूर करूँगा मैं। अरे यार इससे पहले तो मैं खुश हो रहा था, अब लगता टेंशन और बढ़ जाएगी क्योंकि TKD वेब 4 लगा 22061। अब मेरे को ये नहीं पता है 130 मारेगा भी या नहीं मारेगा, अगर नहीं मारेगा फिर तो भैया कल दोपहर ही हो जाएगी मेरे को, क्योंकि ये भी आगे गई है और ऐसे ऐसे करके फिर और गाड़ियां आगे निकलवाएंगे मनमाड़ के बाद। तो कपलिंग तो हो ही गया है, मैं बाकी पुणे जंक्शन से ही वेंडर से ये वड़ा पाव लेकर आया था, 30 रुपये के 2 मिले हैं, लेकिन यहाँ के पाव बहुत पतले से नहीं है, यहाँ के अलग ही है यार। चलो यार कुछ तो खाना था, वैसे भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने। पूरे 10:05 हो गए और अपनी गाड़ी पुणे से निकली है, और जैसे हमारी निकली है यहाँ पे मुंबई पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस अराइव कर रही है। इसको कोचिस इसको भी डेक्कन क्वीन का लगाया हुआ है बीच बीच में, अब तो मिक्स ही हो गया यार। चलो यार लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा रुकने के बाद गाड़ी अब पुणे से भी निकल चुकी है, लोगों को चेंज करवाने के बाद। सो वैसे अभी 10:40 से तो ऊपर टाइम हो चुका है, अभी लोनी पे आके रुकी है गाड़ी वैसे ही, और मैंने देखा है कि अभी जैसे TT चेकिंग के लिए आया था इस गाड़ी में, एक्चुअली मैंने एक तो गाड़ी लेट हुई है ना, तो कई इसमें आए ही नहीं है पैसेंजर, अभी भी कुछ 2 सीटें थी उनमें भी पैसेंजर मिसिंग है, और कई सीटें TT मतलब ढूंढ रहा है उनको कि पैसेंजर आया नहीं अभी तक, मतलब हो सकता है कि वो ना ही आए क्योंकि गाड़ी एक तो लेट हो गई। अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने टिकट कैंसिल भी किया हो क्योंकि गाड़ी 3 घंटे से ऊपर डिले है, तो उसमें फुल रिफंड मिलता है, TDR फाइल कई लोगों ने किया होगा मेरे अकॉर्डिंग। इसका लोको लगा P4 है, लेकिन हॉन्किंग बिल्कुल Web 7 जैसी दे रही है, अभी देखना अगर आएगी तो। हाँ देखा पूरा P7 जैसा भी सेल है इसका, हॉन्किंग फिर भी तगड़ा दे रहा है ये। बाकी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अभी आपको कर्व पे दिखाऊंगा, आगे साइड में पार्सल वाला कोच तो है नहीं, और पीछे वाली साइड में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो पार्सल वाला कोच नहीं है, एक भी कोच नहीं, इसमें 2-2 पार्सल के कोच लगते हैं। ये देखो अभी आगे से देख लो, इसमें इंजन से भी पीछे बस EOG का कोच ही है सीधा, 2-2 पार्सल का लगता है, इस बार लगाया नहीं क्योंकि रूट डाइवर्ट है इस गाड़ी का। तो भैया
पौने 12 होने को आ रहे हैं। गाड़ी दौंड पहुंची है, अभी कुछ 5.5 घंटा डिले है अभी भी। इवन यार जब पुणे अराइवल हुआ था इस गाड़ी का, तब ये 5 घंटा 5 मिनट डिले थी। एक तो वहाँ आधे घंटे से ऊपर खड़ी रही थी ना, तो चलो उस वजह से डिले होगा। बाकी डोंट पे अभी आई है, DDCCC इसका स्टेशन कोड है। वैसे इकलौता यही एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। हम लोग अब वहाँ से अलग हो गए जो मेन डोंट जंक्शन को रूट जाता है। और मैं तो अभी थोड़ी देर पहले लेटा हुआ था, देखा कि अभी डोंट आ गया तो बाहर आए हूँ अभी। यहाँ पे तो बस आपको वड़ा पाव ही मिल रहा है खाने पीने के लिए, और छोटी मोटी जो बिस्किट चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें तो चलो आम मिल ही रही हैं यहाँ पे भी। अब ये क्रॉल करके बहुत आई है। एक तो आगे आगे कर्नाटका संपर्क क्रांति चल रही है ना चंडीगढ़ वाली, तो उसके पीछे पीछे लगी है अभी ये। अगर ये गाड़ी रेगुलर रूट से आती तब इस गाड़ी ने टोटल 649 किलोमीटर कवर करने थे, अभी 767 किलोमीटर कवर हुए हैं हमारे जो हम घूम के आए हैं उस वजह से। ये बेसिकली ये रेलवे स्टेशन जो इकलौता ये वाला जो रेलवे स्टेशन है, ये बेसिकली बना ही बाईपास रेलवे स्टेशन है एक तरह से, क्योंकि जो गाड़ियां मनमार साइड से पुणे जाती है ना वो इसी रेलवे स्टेशन से होकर जाती हैं पहले। हालांकि ये स्टेशन मतलब कुछ साल पहले ही बना है, इवन उससे पहले मेरे को अब भी याद है, आज से 10 साल पहले 2014 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना मैं गया था मैसूरू स्वर्ण जयंती में निजामुद्दीन से मैसूरू फैमिली के साथ हम लोग घूमने गए थे। मेरे को अब भी याद है वो गाड़ी दौंड जंक्शन से रिवर्सल लेके गई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद से जब से ये रेलवे स्टेशन बना ना दौंड नहीं वो गाड़ियाँ जाती, टाइम भी बचता है इससे। चलो हॉन्ग तो आई थिंक हो ही चुका है इस गाड़ी का, ज़्यादा रुकेगी नहीं गाड़ी, 2 मिनट का हॉल्ट लेती यहाँ पे गाड़ियाँ। और यहाँ से भी बुकिंग वैसे होती है, आप करवा सकते हो। कुछ कुछ गाड़ियां हैं जिनकी यहां से बुकिंग नहीं होती, वो उनका मतलब वैसे स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली गाड़ियों की तो होती ही होती है। बाकी चलो मुश्किल से 2 ही मिनट रुकी थी दौंड से भी, अब निकल गई है। और पूरा रेलवे स्टेशन ऐसे कर्व पे है, यहाँ से पूरी ट्रेन दिखती है। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दूसरा प्लेटफॉर्म भी चल रहा है यहाँ पे, अभी तक तो एक ही है, आने वाले टाइम में दूसरा प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। और ये वाली लाइन जो है ना ये वही दौंड जंक्शन से ही आ रही है। पहले ट्रेनें इसी स्टेशन से बनने से पहले ट्रेन जो है यहीं से जाकर वहाँ से दौंड जंक्शन से रिवर्सल लेके उस लाइन से पुणे जाया करती थी। वहाँ पे आपको डबल लाइन जाती हुई दिख भी रही होगी, वो जो ट्रेन जा रही है ना यहाँ वही है, हमारे पीछे पीछे थी ये ट्रेन। मुंबई दुरंतो पुणे दुरंतो, अरे हावड़ा पुणे दुरंतो है। वेल अभी 12:30 के करीब टाइम हो रहा है, गाड़ी ने अभी विसापुरी क्रॉस किया था स्टेशन, और फिर से अब सिंगल लाइन रूट शुरू हो गया, क्योंकि दौंड जो कॉर्ड लाइन हमने क्रॉस किया उससे अगले स्टेशन से डबल लाइन शुरू हो गई थी। मेरे को लगा कि पूरे रूट पे ही मतलब बनवार था कि डबल लाइन हो सकता है हो गई हो, लेकिन नहीं, बीच बीच में डबल लाइन है अभी, हो सकता है अभी आगे चल के फिर आई थिंक अहमदनगर के बाद ही अब मुझे लगता है डबल लाइन शुरू होगी। देखने वाली बात है कहाँ तक है। और वैसे गाड़ी तो अभी चलो 5:30 के करीब घंटा लेट चली रही है, अब देखने वाली बात है कितना कवर करती है। वैल ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मतलब अब समझ रहे हो पार्ट वन। जी हाँ, अब अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे। वैसे भी जो ये दौंड और मनमाड़ वाला रूट है ना ये भी देखने लायक है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लैंडस्केप व्यू आता है तो मज़ा आता है। कर्व तो बहुत ज़्यादा है, भर के है कर्व तो इस रूट पर, अभी यही देख लो भाई, मज़ा आ रहा है भाई इस रूट पर भी, और मौसम भी बिल्कुल बढ़िया है। चलो अब इस वीडियो को यहीं रखते, वैसे भी लंबा हो रहा है, अब अगले वीडियो में जर्नी यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जब हम अहमदनगर मनमाड़ होते हो बाकी के रास्ते,
हज़रत निज़ामुद्दीन कल मुझे लगता है पहुंच जाएंगे 11 बजे तक, तो सुबह अब इतना तो मुझे लगता है पहुंचा देगी अगर लेट ना हुई तो। चलो बाकी मिलते हैं अब उसी अगली पार्ट में इसके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।